What's up everyone, assalamu alaikum, this is Fahad Javed and welcome back to another video of car reviews. तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो है 2007 मॉडल की सुजुकी कल्टस VXL वेरिएंट। तो इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सुजुकी कल्टस की हिस्ट्री जान लेते हैं। सुजुकी कल्टस को प्रोड्यूस किया गया था 2000 में और कंटिन्यू रही थी 2017 तक। इन द स्पैन ऑफ दीज 17 ईयर्स द ओवरऑल चेसिस, जिसको लोग बॉडी कहते हैं, वॉज रिमेन द सेम। इसके अंदर डिफरेंट कॉस्मेटिक चेंजेस करके लाइक फ्रंट लाइट्स का डिजाइन, बैक लाइट्स का डिजाइन, बम्पर्स के डिजाइन, डैशबोर्ड कलर, ये चेंजेस करके फेस अपलिफ्ट लॉन्च करवाए गए थे इन द स्पैन ऑफ दी 17 इयर्स। तो हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो बॉडी है वो सेम ही रही थी इन 17 साल के दौरान। हम लोग डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के अंदर जो बेसिक मेन चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उन चीजों के बारे में। ये गाड़ी सन 2000 के अंदर आना शुरू हुई। इस गाड़ी के अंदर उस टाइम पे दो बेसिक वेरियंट्स आते थे, एक VX और एक VXR। VX और VXR के अंदर जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि VX वेरिएंट में इसके जो बम्पर्स हैं वो ब्लैक आते थे और इसके अंदर AC नहीं आता था, जबकि VXR वेरिएंट के अंदर बम्पर्स बॉडी कलर मैच आते थे और AC आता था। इन 2001 कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ कंपनी फिटेड CNG ऑप्शन एज वेल। तो ये भी एक मेजर चेंज हो गया इसके अंदर। तो अब आ जाते हैं सन 2004 के ऊपर। सन 2004 के अंदर एक मेजर जो चेंज किया गया वो ये किया गया था कंपनी की तरफ से कि VX वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इन 2005 कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ VXL वेरिएंट एज वेल। VXL वेरिएंट के अंदर VXR वाली तमाम खसूसियात मौजूद थी, लेकिन उसके साथ साथ VXL वेरिएंट के अंदर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज और अलॉय रिम्स की ऑप्शन भी मौजूद थी। तो ये दोनों वेरिएंट VXL और VXR कंटिन्यू रहे 2007 तक। अब आ जाते हैं 2007 में एक और मेजर चेंज किया गया, वो ये था कि इस गाड़ी के अंदर पहली दफ़ा कार्बोरेटर इंजन को डिसकंटिन्यू करके EFI इंजन लॉन्च करवा दिया गया। EFI इंजन लॉन्च करवाने की बेसिक वजह जो थी वो ये थी कि कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी के ऊपर इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो EFI इंजन लॉन्च करवाने के बाद ये गाड़ी और भी ज़्यादा रीसेल के अंदर बूस्ट अप हो गई। सन 2007 में इंजन टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद इस गाड़ी के मोनोग्राम के साथ आई का लेटर यूज होना शुरू हो गया, मतलब VXR आई और VXL आई। ये मोनोग्राम में चेंजिंग की वजह बेसिक जो थी वो इंजन के अंदर चेंजिंग थी, क्योंकि वो EFI वेरिएंट हो गया था। अब आ जाते हैं सन 2010 के ऊपर। सन 2010 में इस गाड़ी में एक और बड़ा मेजर चेंज किया गया और वो ये था कि इस गाड़ी का VXLi वेरिएंट जो था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि सन 2010 में पार्क सुजुकी ने सुजुकी स्विफ्ट को लॉन्च करवाया। ऑल्दो वो गाड़ी 1300 सीसी कैटेगरी इंजन की थी, लेकिन इस गाड़ी सुजुकी कल्टस का जो VXLi वेरिएंट है, लोगों का उसके ऊपर एतमाद काफी ज्यादा बहाल था, इसीलिए लोगों ने सुजुकी स्विफ्ट को उतना ना सराहा जितना पार्क सुजुकी एक्सपेक्ट कर दी थी। तो सुजुकी कल्टस का जो VXLi वेरिएंट है वो डायरेक्ट कंपेटिटर बन गया सुजुकी स्विफ्ट का। तो पार्क सुजुकी ने VXL वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आते हैं सन 2012 पे। सन 2012 में एक और मेजर चेंज किया गया इस गाड़ी के अंदर और वो ये था कि इसका जो EFI टेक्नोलॉजी वाला इंजन था उसको थोड़ा और मॉडर्नाइज करके यूरो 2 टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया गया और कंपनी के मुताबिक ये गाड़ी अब ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी। 2012 से 2016 तक ये गाड़ी इसी तरह से ही आती रही और 2016 के अंदर इस गाड़ी में जो लास्ट कुछ यूनिट्स रह गए थे प्रोड्यूस होने वाले, उसके अंदर एक चेंज ये कर दिया गया कि इस गाड़ी के एक लिमिटेड एडिशन जो थी वो ऑफर करवा दी गई। लिमिटेड एडिशन के अंदर वही कुछ चेंजेस की गई और उसके साथ साथ अलॉय रिम्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। तो ये लिमिटेड एडिशन 2016 और 2017 तक आता रहा अंटिल और अनलेस पार्क सुजुकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि सुजुकी कल्टस की ये जनरेशन अब से डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी और सुजुकी कल्टस न्यू आ जाएगी, जो कि ओवरऑल मार्केट के अंदर सुजुकी सिलेरियो के नाम से जानी जाती है, बट पाकिस्तान के अंदर सुजुकी कल्टस की एक लेगेसी बन चुकी थी, एक अच्छा नाम बन चुका था। तो पार्क सुजुकी ने सुजुकी सिलेरियो को बहुत ही एक अच्छे अंदाज से सुजुकी कल्टस में चेंज करते हुए इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो गाड़ी भी उसी तरह से हिट हो गई। तो ये थी इस गाड़ी की एक बेसिक हिस्ट्री। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के रिव्यू के ऊपर। तो स्टार्टिंग अप फ्रॉम द फ्रंट, हमारे पास यहाँ पर ग्रिल है जो कि बॉनट के साथ लगी हुई होती है। इसके अंदर सुजुकी का मोनोग्राम आ जाता है। ग्रिल के साथ आपके पास यहाँ पर हेडलाइट आ जाती है। हेडलाइट में ये आपका पार्किंग बल्ब है और ये सिंगल बल्ब यूज़ होता है हाई और लो बीम दोनों के लिए। इसका जो टर्निंग इंडिकेटर है वो हेडलाइट से बाहर लगा होता है इस साइड पे। बम्पर के अंदर कोई भी फॉग लैम्प्स लगाने की कंपनी फिटेड स्पेस मौजूद नहीं है। अगर आपने लगवाना हो तो यहाँ पर आपको ऑल्ट्रेशन करवा के फॉग लैम्प्स लगवाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द इंजन ऑफ योर सुजुकी कल्टस, जो कि कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी वाला इंजन है। VXL वेरिएंट होने की वजह से ये गाड़ी पावर स्टीयरिंग थी, लेकिन इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं जबकि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, और उस हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग को चलाने के लिए एक पावर स्टीयरिंग ऑयल यूज़ होता है जो कि इस बॉटल के अंदर डलता है।
ओवरऑल ये इंजन जो है 993 सीसी का है एंड इट प्रोड्यूस अबाउट 63 ब्रेक हॉर्स पावर एट 6000 आरपीएम। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ योर सुजुकी कल्टस। ये गाड़ी 17 साल तक तकरीबन इसी शेप के अंदर आती रही है, साइड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं थी एक्सेप्ट फॉर दीज अलॉय रिम्स। ये अलॉय रिम्स VXL वेरिएंट के अंदर आते थे विद R13 रिम और कंपनी फिटेड टायर साइज आता था 155/65। सुजुकी कल्टस में फ्रंट पे डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स यूज होती हैं। रिम्स के ऊपर यहाँ पर फेंडर में आपके पास टर्निंग इंडिकेटर आ जाएगा। इस गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स जो हैं वो बॉडी कलर्ड आते हैं। सो दिस इज द बैक प्रोफाइल ऑफ योर सुजुकी कल्टस। फ्रंट की तरह बैक भी बिल्कुल प्लेन है। ये इसका सिंगल पीस ब्रेक लैंप है जिसमें टर्निंग इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और ये ब्रेक लाइट आ जाती है। ये सेंटर में सिर्फ एक डिज़ाइन के लिए पीस है, कोई ब्रेक लैंप नहीं है। यहाँ पर सुजुकी का मोनोग्राम और यहाँ पर कल्टस का मोनोग्राम आ जाता है। रियर बम्पर के अंदर कोई भी रिफ्लेक्टर मौजूद नहीं है। क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है इसलिए इस गाड़ी के अंदर रियर वाइपर भी मौजूद नहीं है। अगर बात कर ली जाए ट्रंक स्पेस की तो बीइंग अ हैचबैक इसकी ट्रंक स्पेस इतनी कोई खास नहीं है और अगर आपके पास यहाँ पर कंपनी फिटेड सिलेंडर लगा हुआ है तो ट्रंक स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगी। ये स्पेयर व्हील सिलेंडर के नीचे आता है बेसिकली, लेकिन किसी ने अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पर रख दिया। और इसको रखने का जो बेसिक एक मेन तरीका है वो ये है कि आपकी जो बैक सीट्स हैं ये प्रॉपर रिक्लाइन कर देती हैं आगे को और फिर वहाँ से आप टायर जो है वो सिलेंडर के नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द की ऑफ योर सुजुकी कल्टस जो कि बिल्कुल बेसिक है। ना तो इस गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर मौजूद था ना कीलेस एंट्री। तो ये है सुजुकी कल्टस का ड्राइविंग साइड का डोर। एज इट इज़ अ VXL वेरिएंट तो यहाँ पर आपके पास पावर विंडोज़ के कंट्रोल स्विचेस मौजूद हैं। ड्राइवर साइड की विंडो फुली ऑटोमेटिक है और ये विंडोज़ लॉक स्विच है। इसके अलावा इस डोर में यहाँ पर नीचे आपके पास एक डोर पॉकेट भी मौजूद है। तो ये है सुजुकी कल्टस का स्टेयरिंग व्हील जो कि 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है। ये स्टेयरिंग व्हील बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई भी SRS एयरबैग मौजूद नहीं है और ना ही स्टेयरिंग व्हील की कोई एडजस्टमेंट मौजूद है, ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। एज इट इज़ अ VXL वेरिएंट तो ये पावर स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग व्हील से पीछे यहाँ पर आपके पास स्पीडोमीटर मौजूद है। इस गाड़ी में यहाँ पर आपके पास स्पीडोमीटर है, ये RPM मीटर। राइट साइड पर आपके पास टेम्परेचर गेज और लेफ्ट साइड पर आपके पास फ्यूल गेज मौजूद है। स्पीडोमीटर के साथ यहाँ पर आपके पास डिफॉगर का स्विच मौजूद है और ये हैजर्ड लाइट्स के स्विच मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील से पीछे यहाँ पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल स्विचेस मौजूद हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल स्विचेस मौजूद हैं। स्टीयरिंग व्हील से ऊपर यहाँ पर आपके पास सनशेड्स मौजूद हैं। ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड दोनों के सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है। स्टीयरिंग व्हील से राइट साइड पर यहाँ पर आपके पास एक AC वेंट मौजूद है और ये नीचे आपके पास CNG कन्वर्जन किट का स्विच मौजूद है। अगर बात कर ली जाए सेंटर डैशबोर्ड की तो यहाँ पर आपके पास AC वेंट्स मौजूद हैं, AC के कंट्रोल स्विचेस मौजूद हैं और ये नीचे आपके पास CD प्लेयर की ऑप्शन मौजूद है। ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, उस टाइम पे आई गेस इसके अंदर कैसेट प्लेयर आता था लेकिन अभी CD प्लेयर लगा हुआ है। उसके साथ ही नीचे आपके पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है। ये आपकी एशट्रे और यहाँ पर सिगरेट लाइटर होता है और ये भी आपके पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है। ये है आपका सुजुकी कल्टस का 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास मैनुअल हैंड ब्रेक मौजूद है। डैशबोर्ड की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो सुजुकी की बाकी गाड़ियाँ जो इस लीक की हैं, मेहरान, सुजुकी ऑल्टो, उनसे काफ़ी बेहतर है। बट स्टिल इट्स अ चीप प्लास्टिक, लेकिन फिर भी उन गाड़ियों से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आपके पास एक ग्लव बॉक्स भी मौजूद है जो कि एक डिसेंट स्पेस रखता है। अगर बात कर ली जाए पैसेंजर साइड की डोर की तो यहाँ पर आपके पास पावर विंडो का स्विच मौजूद है, ये डोर ओपनिंग लैच है और नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है थोड़ी सी। अगर बात कर ली जाए ड्राइविंग सीट पर स्पेस की, मतलब लेग स्पेस और हेड स्पेस, तो फ्रंट सीट पर बहुत ऑप्टिमल है। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से ड्राइविंग सीट फुली पीछे करके एडजस्ट की हुई है। अब पिछली सीट पर जाकर देखते हैं कि लेग स्पेस की क्या सूरत हाल है। अब अगर बात कर ली जाए रियर सीट स्पेस की, तो जैसा कि मैंने अपनी ड्राइविंग सीट जो है वो अपनी हाइट के मुताबिक फुल पीछे करके एडजस्ट की है, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है। मेरी हाइट का बंदा जो है उसके लिए रियर सीट स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है। मेरी लेग स्पेस बिल्कुल ख़त्म है, मेरे नीज जो है वो सीट के साथ लगे हुए हैं। हेड स्पेस इज क्वाइट ओके, हेड स्पेस का इशू नहीं है लेकिन लेग स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस गाड़ी के अंदर रियर सीट पे अगर आपने लंबा सफ़र पर जाना है तो 2 एडल्ट बैठ सकते हैं और अगर आपने शहर के अंदर सफ़र करना है तो 3 एडल्ट जो है वो बैठ के, अगर सफ़र छोटा है तो वो आराम से पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो उर्दू वाला सफ़र नहीं इंग्लिश वाला सफ़र बन जाएगा उनके लिए।
बट ये पाकिस्तान है, यहाँ पर लोग फिर भी लॉन्ग जर्नीज पर भी तीन एडल्ट्स बैठा लेते हैं। लेकिन मैं आपको उस सिचुएशन में बता रहा हूँ, अगर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ना बैठना पड़े और ईजी हो गया अपना अपना सफ़र तय करें, तो दो एडल्ट के लिए रियर सीट बेस्ट है और तीन बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी का फ्लोर बेड भी बिल्कुल फ्लैट नहीं है, यहाँ पर एक हम्प मौजूद है और रेयर पैसेंजर डोर जो है इसमें, यहाँ पर आपके पास पावर विंडो का स्विच मौजूद है, ये आपके पास डोर ग्रैबिंग हैंडल मौजूद है। तो गाइस दैट्स इट अबाउट सुजुकी कल्टस रिव्यू। अब रिव्यू का जो एंड है वो अगर तीन बेसिक क्वेश्चन पर कर लिया जाए, मतलब इसकी गाड़ी की रीसेल कैसी है, मेंटेनेंस कैसी है और इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी कैसी है, तो आंसरिंग टू दोज क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये है कि रीसेल इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। एक तो ओवरऑल अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो छोटी गाड़ियों में आपके पास जैपनीज गाड़ियों को अगर आप एक्सक्लूड कर लें तो सुजुकी कल्टस है, सुजुकी ऑल्टो है और सुजुकी मेहरान है। ये तीनों सुजुकी के ही ब्रांड आपके पास मौजूद हैं। सुजुकी कल्टस जो है वो सुजुकी ऑल्टो और सुजुकी मेहरान से स्पेस में काफ़ी ज़्यादा है। सस्पेंशन इस गाड़ी की उनसे अच्छी है। ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो इस गाड़ी की थोड़ी सी बेहतर है उन गाड़ियों से, बट इस गाड़ी की ब्रेक्स मुझे ऑल्टो से बेहतर नहीं लगती, ऑल्टो की ब्रेक्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आई डोंट नो वाई। इसके अलावा इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो मेरे मुताबिक मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ऑल्टो का सीटिंग पोस्चर फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। असल में मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है तकरीबन, तो मुझे बैठ के ऐसा फील होता है कि जिस तरह मैं एक लेटी हुई पोजिशन हो जाती है ना, उस तरह का फील होता है। ऑल्टो की जो सीट है उसके ऊपर बैठ के मैं प्रॉपर एक सीट की तरह बैठा होता हूँ, तो उसमें मुझे सीटिंग पोस्चर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं इस गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर। इस गाड़ी की मेंटेनेंस भी जो है वो सस्ती है, मतलब आपका ये सुजुकी ब्रांड है, आपको हर तरह के पार्ट्स अवेलेबल हैं। ओरिजिनल डलवाना चाहें, चाइनीज़ डलवाना चाहें, थाई ब्रांड्स डलवाना चाहें, या फिर उसके अलावा आपके पास जो है वो बिलालगंज की ऑप्शन भी आ जाती है। अगर आपके पास जो है वो मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स अगर आपको डलवाने हैं तो वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपको इंजन का काम निकला है, जो इसका कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी वाला इंजन है उसका काम थोड़ा सा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू EFI इंजन। इसका जो EFI इंजन का काम है वो काफ़ी महंगा है, तो मेंटेनेंस भी आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। अब अगर बात कर ली जाए फ्यूल इकोनॉमी की, तो कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कम थी। एज़ वॉट आई थिंक इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी शहर के अंदर 12 से 13 किलोमीटर की है और लॉन्ग रूट पे 15 से 16 किलोमीटर की है, लेकिन ये मेरे मुताबिक है। किसी के पास इसकी गाड़ी की एवरेज इससे ज़्यादा भी आ सकती है और किसी के पास इससे कम भी। जो EFI वाली गाड़ी है उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है, शहर के अंदर तकरीबन 14-15 के करीब कर देती है और लॉन्ग रूट पे 18-19 के करीब भी वो गाड़ी करती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ मुलाकात होगी एक नई गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।